आसान सा सवाल पूछूं आपसे, एनिमल जैसी फिल्म जिसको दुनिया में हर किसी से गालियां पड़ी, वह बॉक्स ऑफिस में 900 करोड़ क्यों कमा लेती है? जितना सुनने में आसान लगता है, इस सवाल का जवाब देना उतना ही टेढ़ा मुश्किल काम है। दो लाइनों से बात नहीं बनेगी, दो घंटे की फिल्म देखनी पड़ेगी। गुरु सुन डायरेक्ट आपके घर आई है, कंटेंट और टीवी पे रिलीज जरूर हुआ है, लेकिन थिएटर में आने वाली फिल्मों से कम समझने की गलती मत करना, एटम बम है। सर चमकीला और एनिमल दोनों में क्या कनेक्शन है? अभी तक वही सोच रहे हो, एनिमल सी फिल्म थी लेकिन चमकीला ने उसे निरोसत में जिया है। रियल लाइफ रिव्यू से पहले एक छोटी सी वार्निंग, अगर आप उस टाइप के बॉलीवुड सिनेमा के कट्टर फैन हैं जहां मसाला डोसा रोमांस के बिना पिक्चर नहीं बन सकती, वहां भैया कृपा करके चमकीला जैसी फिल्म ना देखना, वरना थिएटर में जो बड़े मियां छोटे मियां मैदान का कलेक्शन थोड़ा बहुत आ रहा है वो भी कम हो रहा है, और वो कुछ दिन बाद एकदम जीरो हो जाएगा, क्योंकि चमकीला जैसे कंटेंट एक बार देख लिया तो सिर्फ अच्छी फिल्म देखने का मन करेगा। कहानी एक मौज बनाने वाली फैक्ट्री से शुरू होती है, चमकीला यहाँ पर मौज सीलता है लेकिन बाद में उसके पूरे दिन म्यूजिक बजता रहता है, लेकिन दिक्कत ये है कि ये म्यूजिक दुनिया को सुनाना थोड़ा मुश्किल है। चमकीला के लिखे हुए गाने पर कई सारे बड़े सिंगर सुपरस्टार बन जाते हैं। पैसे की बारिश तब होती है जब पानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब चमकीला के हाथों में पेन की जगह पहली बार एक माइक आता है। फिर भगवान की भक्ति शुरू, सिर्फ चार पांच गंदे गाने चमकीला को जमीन से आसमान तक ले जाते हैं। पैसा नाम और घर वाली तीनों मिल जाती, लेकिन प्यार और पागलपन के बीच सिर्फ एक सुई जितना फर्क होता है, इसलिए चमकीला के घर उसका एक सच्चा फैन हाथ में बंदूक लेकर प्रकट होता है। फिर होता वो है जो किसी ने नहीं सोचा था, दूसरों के दिमाग को ठंडक देने वाला चमकीला उसके खुद के दिमाग से गोली आर पार हो जाती है। चमकीले की लाइफ कॉमेडियन नहीं है, चमकीले की जिंदगी किसी बड़े पर्दे से सिनेमे से कम नहीं है। चमकीला फिल्म 100% असली है, क्योंकि हुआ है ऐसे कि असली फिल्म खत्म होने के बाद दिमाग में शुरू हो जाती है, अगर बैठे वो सब कुछ मिलेगा जो पब्लिक थिएटर में देखना चाहते हैं। बट एक बात ध्यान में रखने वाली जरूर है, अगर आप चमकीले के गाने कानों पे हाथ लगाकर सुनते हैं तो यह फिल्म भी आंखों के बिना पर्दे के देखना काफी मुश्किल होगा। चमकीले के गाने जैसी फिल्म आपको कुछ सिखाना नहीं चाहती, बदलना नहीं चाहती, आपको आपकी सोच को सिर्फ 40 साल पीछे ले जाकर चमकीले के बगल में खड़ा करना चाहती। चमकीला फिल्म के क्रिएटर इम्तियाज अली है जो ऑलरेडी रॉकस्टार जैसी फिल्म बना के इंडियन ऑडियंस को बचपन से जवान कर चुके हैं। 3 घंटे में 3 करोड़ दिल तोड़ना उनका कमबैक कोई मामूली फिल्म के साथ थोड़ा होना था, और दिमाग इतना लगाए कि थिएटर की जगह ओटीपी पे रिलीज कर दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जल्दी फैल जाए। स्क्रीन पर 2.5 घंटों में जो दिलजीत पाजी ने दिखाया हुआ इतना ताकतवर है कि आपकी आंखें फटी फटी रह जाएंगी। दिलजीत पाजी का बेहतरीन इस्तेमाल एक तो इम्तियाज सर ने किया और उसने एक्टिंग करवा के, और दूसरा AR रहमान ने उनके आवाज को चमकीले के लेवल से भी ऊपर पहुंचा दिया। चमकीले की लाइफ में PhD दूसरी फिल्म की शुरुआत एक मॉडर्न सीन के साथ, इम्तियाज अली ने डायरेक्शन पहले ही वर्म कर दिया। फिल्म को मजाक में मत लेना, बहुत सीरियस होने वाली है। दिलजीत पाजी की करियर बेस्ट परफॉर्मेंस दिलजीत को चमकीले की वजह से नहीं, चमकीले को दिलजीत की वजह से याद रखेंगे लोग। और लास्ट वाली फिल्म का म्यूजिक अंदे अश्लील गाने, वो भी 40 साल पुराने लेकिन सुनकर दिमाग फ्रेश हो जाएगा। और दिलजीत पाजी ने इस फिल्म में जो दिखाया वो बहुत ही खतरनाक होने वाला है। अगर आपको भी चमकीला फिल्म अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं।